सादा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रिशु त्यागी और आज हमारे साथ हिंदुस्तान की मशहूर आवाज यानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका सादा न्यूज में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी। आज सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप इतना अच्छा गाती हैं, बहुत सारे फैंस हैं आपके इंडिया के अंदर, लेकिन जो आपके बचपन की चीजें हैं वो शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम होंगी। तो सबसे पहले आज आपके बचपन से शुरुआत करना चाहूंगी। कुछ बचपन की ऐसी यादें जो यहाँ पे इतने सारे दर्शक हैं उनको मालूम ना हो और आपने किसी से शेयर ना की। पहली याद तो गाने की थी और हर चीज़ में थी, डिबेट में, नकल उतारने में, पढ़ाई में, खेल में और बात करने में। तो वो बात करने में सबसे अच्छी बात यह कि आप ऑब्जर्व करते हैं, बड़ों का साथ अच्छा लगता था, वो देख देख करके कहीं ना कहीं गाने भी शुरू करा, संगीत सीखती थी। तो बचपन की मेन याद मेरे लिए संगीत के रियाज और कॉम्पिटिशन्स की है। बहुत सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, डांस कोरियोग्राफ करना। तो नवाबों के शहर लखनऊ से हैं मालिनी अवस्थी जी, और आपसे जहाँ पे जानना चाहूँगी कि सबसे पहली बार जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया तब कैसा आपको लग रहा था? पहली बार बहुत एक्साइटमेंट, थोड़ा सा डर, और इस बात का डर कि जो सीखा है, जो तैयारी, वो गा पाएंगे कि नहीं। मैं लोकगीत गाती हूँ और मैं मानती हूँ कि लोकगीत कभी कोई बेसुरा गा ही नहीं सकता। ये यदि लोकगीत गा रहा है तो घर में देखिए हमारी औरतें गाती थीं, सबने कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। दूसरा, यदि सीरियसली इसको करियर लेना है तो तालीम बहुत ज़रूरी है, सुर का रियाज, अपनी वॉइस पे कंट्रोल और गाने के संग आपके ब्रेन का कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अभ्यास से आती हैं। लेकिन अच्छे गुरु की संगत में जाएँ, शास्त्रीय संगीत सीखिए और अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए। से कहना चाहूंगी कि जितना अच्छा आप गाती हैं उतनी ही सुंदर आप दिखती भी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि जो मैं लोकगीत के लिए कहती हूँ कि लोकगीत कभी बूढ़ा नहीं होता, तो लोकगीत बूढ़ा नहीं होता इसलिए हम भी नहीं बूढ़ा रहे हैं, बस। लास्ट, साधना न्यूज के माध्यम से जो आपके फैंस है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सोचिए और हर एक के लिए अच्छा सोचिए, खुद अच्छे रहिए और सारा संगीत सुनिए लेकिन लोकगीत जरूर सुनिए। चलिए, बहुत शुक्रिया साधना न्यूज से बातचीत करने के लिए।